तो हेलो, स्वागत है सभी का एक नए ब्लॉग पे। तो अभी बज रहे हैं 8:30 और हम 9 बजे जाएंगे, मतलब 8:30 दिन के नहीं, रात के, ठीक है। और आज है षष्ठी, दुर्गा पूजा स्टार्ट हो चुका है आज से, तो आज है षष्ठी। तो आज 9 बजे जो मतलब दूर दूर के है ना, दूर के जो पंडाल है, ठीक है, वो हम देखने के लिए जाएंगे। बहुत सारे 11 कपड़े हो चुके हैं मेरे, सो इसलिए मैं अभी तो ये मैं कुछ आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये कल आया है, 1 मिनट। उससे पहले आज छोटा ब्लॉग होगा, लेकिन हम जितने भी जाएंगे वो सब कवर करने का कोशिश करेंगे। तो हाँ, बने रहिए ब्लॉग पे। और गाइज ये देखो, ये मिंत्रा से आया था कल, और साथ ही साथ इस पे रेड कलर का मेरा एक कुर्ता है शायद, हाँ। और ऊपर ये जो 3 है ये सारे मतलब नया नए आएंगे, और इसको देखते हैं खोल के। ये एक्चुअली पैंट है मेरा, वाइट पैंट मतलब फॉर्मल, और ये मैं कल लगा कर जाऊँगा, ये जो है कल लगा कर जाऊँगा, दोस्तों के साथ जाएंगे, देखते हैं। और साथ ही कल रात सप्तमी के रात मैं मम्मी पापा के साथ मतलब हिनो जाऊँगा, सो मैंने सोचा कि ब्लैक कलर का एक कुर्ता है जो मैंने आपको दिखाया है वो पहन के जाऊँगा। बट अभी मैं एक मतलब यू नो सुंदर जो मैंने हुडी किया, ओवर साइज टी शर्ट मैंने खरीदा है, वो पहन के जाने का बड़ा कुछ प्लान बन रहा है, तो देखते हैं। तो मैंने अभी डिसीजन बना लिया, मैंने ये मरून कलर का हुडी के मेरे मरून कलर का जो ओवर साइज टी शर्ट है उसके साथ ये पैन पहनूंगा, तो काफ़ी यू नो मैच करेगा। वैसे मरून कलर के साथ ब्लैक मतलब यू नो जस्ता है, बट 4 दिन का पूजा है तो ख़त्म भी करना है, तो इसलिए ये पहन रहा हूँ। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो सब लोग रेडी है अभी, पापा भी रेडी है पूरा जेन जी स्टाइल में, और मैं दिखाऊंगा मेरा आउटफिट, तो चलिए। तो अभी मैं पूरा रेडी हूँ, ठीक है, मम्मी भी इधर रेडी है, ये देखिए सलवार कमीज का। गेट माय गो। हेलो गाइस, कैसे लग रही हो? मैं बहुत गंदी पता है। तो हाँ, अभी हम जा रहे हैं, पार्लर सेट कर लिया है, पापा भी उधर गाड़ी निकाल रहे हैं, चलिए जाते हैं। तो ये देखो रात में स्ट्रीट हमारा कुछ ऐसा सड़क रहा है, क्योंकि कालीबाड़ी में दुर्गा पूजा है, तो चलिए अभी गाड़ी के अंदर जाते हैं। अभी हम आए यूथ के क्लब, जिसका 50 ईयर्स अभी कंप्लीट हुआ है, तो कुछ देख लो, अभी अंदर जाएंगे, गेट भी दिखाएंगे आपको। तो गाइस ये एक्चुअली 50 ईयर्स अभी कंप्लीट हुआ है, इस जो क्लब है वो यूथ के क्लब है, इसका जो पेंडल अगर अच्छा भी नहीं होता बट जो दशमी होता है वो सुपर होता है। तो अभी हम इसके अंदर जाकर देखते हैं, ठीक है, और बाद में आप जब आएंगे बाहर तब फोटो वोटो खिंचाएंगे। बस कल आएंगे तो यहाँ पर आई थिंक शॉवर देखने को मिलेगा, फाउंटेन देखने को मिलेगा, तो हाँ, तो चलिए अंदर। बहुत सारे देवी देवताओं की अभी मूर्ति भी लगी, और सामने है दुर्गा मूर्ति, अब मैं अभी जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर बनाया गया है। हेलो,
ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, फिर कभी आकर देखेंगे, बट तभी भी अंदर चले जाकर देखें। एक क्लब में आए बिजॉय, अच्छा क्या क्लब है, तो ये देखो काफ़ी छोटा सा है बट मूर्ति जो है ना वो काफ़ी अच्छा है। पूरा पार्क था पहले, ठीक है, जो ये दो मतलब हम जो छोटे थे हम दोनों, हमारा फेवरेट था गाइस, इससे बहुत यादें जुड़ी हैं। तो यहाँ पर आते थे हम, ठीक है, आकर मतलब हमारा संडे रहता था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पूरा रहता था संडे, और अभी ये बंद हो चुका है, ठीक है। और इसका जो दुर्गा मूर्ति है प्रतिमा वो देखो गाइस, वाओ वंडरफुल। ये है मध्यम करीमगंज जो कि गोफ्टी स्कूल में है, ठीक है, अभी इसके अंदर जाकर देखते पंडाल, देन प्रतिमा जो है देखते जाकर। तो ये पंडाल यहाँ पर अभी थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन चालू है, कल यहाँ पर बाउल गान भी चालू रहेगा, अभी अंदर जाकर जो प्रतिमा है दुर्गा मूर्ति का वो देखते जाकर चलो। तो गाइज ये जो क्लब है वो एक्चुअली कोर्ट में, हमारे गांव पर जो हाई कोर्ट है वहाँ पर बनाया गया है। सामने जो लायन है उसको देख सकते हो, मूविंग लायन, काफ़ी एट्रेक्टिव लग रहा है ये देखो। और अगर ये पंडाल अगर बात करें तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के याद पे बनाया गया है। ये जो पंडाल है वो रविंद्रनाथ टैगोर जब 100 ईयर्स पहले जब आए थे तब मतलब जो उनकी यादों में बनाया गया था। तो गाइस अभी घूम कर आ चुका हूँ, ठीक है, अभी हम सोएंगे, ठीक है, उसके बाद सुबह जिम भी जाना है, मम्मी ने बोल दिया कि जिम जाना है, तो हाँ जिम जाना है। और बस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे जल्दी कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।